नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम NIS के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको सबमिट कैसे करना है। पहले हम सबमिट करते थे अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में, लेकिन अब आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। NIS ने ऑनलाइन सबमिट करने का पोर्टल ओपन कर दिया है। जो विद्यार्थी NIS के रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में सबमिट जाना नहीं चाहते हैं वो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सबमिट करना है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये वेबसाइट है, ये एक ऐप के माध्यम से है। इसका जो नाम है BLEAP, आपको प्ले स्टोर में ऐप भी मिल जाएगा और आप गूगल में टाइप करके इसका साइट ओपन करके, ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर NIS रेफरेंस आईडी। यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी सबमिट करना है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी सबका अपडेट नहीं हुआ है, अभी अपडेट कर रहे हैं NIS, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं। अभी जितने भी विद्यार्थी NIS में एडमिशन ले चुके हैं जिनका कंफर्म हो चुका है, सबका अभी अपडेट नहीं हुआ है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट अपलोड करने का। अभी कुछ बच्चों का हुआ है और हो जाएगा, दिसंबर तक में सबका अपडेट हो जाएगा। तो मैंने इनका चेक किया तो इसमें बैड रिक्वेस्ट बता रहा था, यानी कुछ का भी देखिए आपको इस तरह से नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिनको ऑनलाइन क्लासेस भी लेना है इसके माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है, इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आप इस चैप्टर का क्लास होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेंडिंग असाइनमेंट, यहाँ पे व्यू ऑल करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये असाइनमेंट, कौन कौन सा असाइनमेंट आपको अपलोड करना है। तो आपको वो असाइनमेंट अपलोड करना है जो आपने सब्जेक्ट चुना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और उसके बाद व्यू एंड अपलोड में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है असाइनमेंट का, TMA का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसका आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है TMA में सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप यहाँ पे JPG फॉर्मेट में, यहाँ पे दिया गया है देखिए यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट में आप इसको जमा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है JPG PNG फॉर्मेट, ठीक है। और मैक्सिमम जो साइज होगा वो 2 MB का होगा, आप जो इमेज के थ्रू जो कीजिएगा इसको अपलोड उसका 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बारी बारी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया ना, इस तरह से आप जितने भी 5-6 पेज होगा वो सारे पेज को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और असाइनमेंट का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देंगे, वहां से आप अपना असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और उसको आप लिख कर भी कर सकते हैं और टाइप करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन स्कैन योर हैंड रिटन और टाइप्ड TMA पेज, ठीक है। आप टाइप्ड करके भी कर सकते हैं और स्कैन करके भी कर सकते हैं हैंड रिटन का। अब आपको समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।